ये बहुत सालों से विचार हो चल रहा है कि होना चाहिए, मेरे ख्याल से शुरू शुरू में हो रहे थे ऐसा, कि पूरे देश में एक बार इलेक्शन अगर हो जाता है तो पूरे 5 साल वास्तव में शांति से तुम विकास के काम कर सकते हो। और बाद में जो भी है, कुछ राजनीतियां होती चली गई, कोई प्रदेश पिछड़ गया, कोई बार इलेक्शन बीच में हो गए किसी के, जो भी कुछ होता सबका इतिहास है। लेकिन ये विचार बुरा नहीं है, पहली बात तो, कि स्टेट के, क्योंकि स्टेट इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन अगर एक साथ हो जाते हैं तो एक बार वो हो गए कि भले ही स्टेट का काम हो वो आबादित रूप से चलेगा, नहीं तो कहाँ इलेक्शन है, एक बार लोकसभा के इलेक्शन हो गए और उसके बाद फिर विभिन्न प्रदेशों में चलता ही रहा कारवा इलेक्शन का, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि फिर वो ये लगता है ना चुनाव आचार संहिता, आचार संहिता से काम रुक गए, अब ये निर्णय नहीं ले सकते, वो नहीं होता, ये कहीं ना कहीं तो अड़चने आती है। तो वन नेशन वन इलेक्शन ये बात तो अच्छी लगती है बहुत। और अगर मैं कहूँ तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता की कमेटी ने इस पर विचार किया है, बात केवल इतनी है कि क्या आज की तारीख में ये संभव है? क्या संभव? दो बातों से है कि कुछ राज्यों के चुनाव तो अब डिफरेंस है, 3-3 साल का डिफरेंस है, 4 साल का डिफरेंस है, तो क्या उनको क्या करेंगे? कुछ के चुनाव क्या तुरंत, जैसे मध्य प्रदेश का अभी चुनाव हो गया, तुरंत होना है क्या? कई सारी ऐसी बातें आती है कि किसका समय कम करे, किसका समय बढ़ाए, क्या स्टेट का समय बढ़ाने का अधिकार केंद्र को मिलेगा, ये कई सारे नियम, मेरा कहना है कानूनी सवाल भी है। और भारत में सबके सहमति भी आवश्यक है, लोकतांत्रिक हमारा देश है, मगर कल्पना जरूर अच्छी है, मैं इतना कहूंगी, कल्पना स्वागत योग्य है, लेकिन उसको अमल में लाने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा तो किस तरीके से करेंगे? एक तो मैंने पूरी रिपोर्ट मैंने अभी पढ़ी नहीं है, उसके मुख्य मुद्दे क्या है, किस तरीके से जो कठिनाई आएगी, क्योंकि फंडिंग का विचार करें तो फंडिंग की दृष्टि से वन नेशन वन इलेक्शन इज ए गुड थिंग, कि एक बार खर्चा हो गया जी। खर्चा होने के बाद यू आर फ्री टू वर्क फॉर 5 ईयर्स, ये हो जाता है, पूरे हिंदुस्तान में एक प्रकार से काम चलता रहेगा। अभी क्या हो रहा है, किसी प्रदेश में एक चुनाव आना है तो वहां गड़बड़ होती है तो कहीं ना कहीं पूरे नेशन में, वो बोलते हैं ना कि अब पहले जैसा नहीं रहा, दूर महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, तो उसके पड़साद तो पूरे नेशन में होते रहते हैं। और दुनिया आप लोगों ने बहुत पास कर दी है, तुरंत होती है, और इसलिए रिपरक्यूशंस उसके आते हैं। नहीं, एक बेनिफिट जैसा मैंने कहा कि एक तो खर्चा, खर्चे के बार बार, क्योंकि चुनाव होते हैं तो बार बार खर्चा, चाहे स्टेट का हो तो भी खर्चा बहुत आता है, कितना करो, तो एक ही समय पे वो सब खर्चा होगा, एक ही बार देश के लोग सोचेंगे कि कौन चाहिए, स्टेट में कौन चाहिए, कब केंद्र में, अलग अलग हो सोच हो सकती है, और एक ही बात तय हो जाएगी दोनों की। फिर 5 साल आप सलंग विकास के बारे में सोच सकते हो, फिर बीच में जैसा होता है कि चुनाव आ गया तो अब कुछ अलग तरीके से सोचो, क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं, उसके रिपरक्यूशंस क्या, तो नीति में कहीं ना कहीं फर्क, फिर राष्ट्रीय सोच भी थोड़ी बदल जाती है, क्योंकि आजकल प्रदेश अपने तहत स्ट्रांगली सोचने लगे हैं, ये भी होता है, प्रादेशिक राजनीति भी महत्वपूर्ण होती जा रही, मगर हो जाते हैं तो मैंने जैसे कहा कि पूरे नेशन में एक 5 साल के लिए लोगों को भी सोचने का, नेताओं को सोचने का, सरकार को सोच के काम करने का, ये जो 5 साल का एक पीरियड। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।